नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर। दर्शकों, जब से हमारे देश भारत ने अंग्रेज से आजादी ली और अपने पांव पर खड़ा हुआ, बोले तो 1947 से लेकर की अब तक हमारे देश की परंपरा रही है कि हर राष्ट्रपति अपने दौर में एक मर्तबा नौसेना का निरीक्षण जरूर लेता है। और आज भी ऐसा ही एक निरीक्षण हमारे राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी लेने आए। आंकड़ों के हिसाब से ये 12वां नौसेना का निरीक्षण है जो देश के राष्ट्रपति लेते आए हैं। हम अपने सभी उन दर्शकों को बताते चलें कि जो मनाजिर आपने देखे वो सब बनाने के पीछे देश के खून पसीने से दिया हुआ बहुत सा पैसा लगा हुआ है। हम मानते हैं कि हमारी नौसेना देश की रक्षा के लिए दिन रात जुटी है और ऐसे उपाय कर रही है जिससे देश की शक्ति और मान को बढ़ावा मिलेगा। पर क्या ये जरूरी है कि इतना सब रुपया और पैसा केवल इस बात के लिए लगा दिया जाए कि राष्ट्रपति महोदय पधारे और आके निरीक्षण करें? इस निरीक्षण में लगभग 60 के करीब युद्ध बोट और पनडुब्बियों ने हिस्सा लिया। इसके अलावा लड़ाका विमानों ने भी इसके अंदर अपना प्रदर्शन किया। और विशाखापट्टनम में जिस अंदाज से सभी युद्ध बोट और नौसेना के लड़ाका कश्तियों को श्री राष्ट्रपति महादेव के निरीक्षण के लिए खड़ा किया गया, वो बिल्कुल अंग्रेज की उस कहावत की तरह था, ऑल एग्स इन बास्केट। अब इतना बड़ा खतरा केवल इसलिए लिया जाए कि राष्ट्रपति महादेव पधारे और आके निरीक्षण करें? इन सभी नौसेना के एसेट्स और इस निरीक्षण पर भारी मात्रा में करोड़ों रुपया, जिससे देश की गरीब जनता का विकास हो सकता था, केवल इस निरीक्षण के लिए खर्चना कहाँ की अक्लमंदी है? हमारी हाथ जोड़कर विनती है इस देश के राष्ट्रपति महादेव से, रक्षा मंत्री जी से और नौसेना के प्रमुख जी से, भगवान के लिए ऐसे निरीक्षण पर गरीब का पैसा उड़ाने के बजाय देश की रक्षा के अच्छे से सम्मान कर लीजिए। खराब मटेरियल के कारण INS सिंधु रक्षक, INS विक्रमादित्य और INS रणवीर में शहीद होने वाले और उनके बच जाने वाले बदकिस्मत परिवारों के लिए ही विचार कर लेते तो ये देशवासी ठीक से जान पाते आपकी देशभक्ति को। और सच में इन्हीं के लिए किए गए विचार आपको शोभा देते, ना कि ऐसे निरीक्षण जिससे लाखों रुपया मौज मस्ती में उड़ा दिया जाए। पर क्या कीजिए जनाब, सारी सरकार इसी में जुटी है, पैसे लुटाओ, मौज मस्ती करो, दारू पी के सो जाओ, क्योंकि यही आपका मोटो, बस खींच मेरा फोटो। तो देवियों सज्जनों, ये था आज का पूरा समाचार। देखते रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम लाते हैं हर मुद्दे पर गुप्त जानकारी सिर्फ आपके लिए।